अली भाई। जी भाई। दुनिया की सबसे बड़ी रहमत क्या है? घर में बाप की आवाज का होना। मैं मांगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवे हाथ जो। हे रेशु। हाँ? मेरे लिए क्या कर सकती हो? जो तुम बोलो। जान दे सकती हो? जान? तुम्हारी ख्वाहिश ना पूरी कर पाई तो मजा नहीं आएगा जीने में। तुम्हारी ख्वाहिश ना पूरी कर पाई तो मजा नहीं आएगा जीने में। चलो मर जाते तुम, बताओ दफनाओगे अपने सीने में? जब आपने पहली बार मेरा घूंघट उठाया तो क्या सोचा? दत तेरी की ये क्या ले आया मैं? हम लड़कियों को मनाना आसान काम थोड़ी ना। कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारा मूड किस बात पे ऑफ है। गायक बड़ी तेज हवा है। मैं कहीं उठ ना जाती। अरे मैं मर जाऊं। अरे मैं मर गई। मैं तो उड़न मैं नहीं बताऊंगा। यार ये सॉन्ग मैं अपनी एक्स को डेडिकेट कर रहा हूँ। किसी खोते दी बची। बैठा कि नहीं दूर मैं मजबूर मैं रब्बा तेरी इतना दी सजा सुन ले। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए कि आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ बिताएंगे, एंड ऑप्शन बी 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 आई चूज बी बी बी। सूट काफी जच रहा है, लिपस्टिक तो वाओ, और मेकअप भी काफी प्यारा किया हुआ है। एक मिनट, फिर शक्ल क्यों नहीं अच्छी लग रही? तेनू छड भी सकदी रखिया कर मेरा डर वे तू कल्ला ही सोना नहीं मैं सुनिया उची। क्या हुआ बेबी, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें याद है 14 साल पहले जब तुम 18 साल की थी? हाँ बेबी याद है। तुम्हारे जज बाप ने हमें एक साथ कार में घूमते हुए देख लिया था? हाँ याद है। याद है तुम्हें कैसा उन्होंने मेरी कनपट्टी पे गन रख के कहा था, या तो उससे शादी कर लो या तो 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा? वो कैसे भूल सकती हूँ मैं। आज मैं छूट गया होता। एटीएम से पैसे निकालकर वहीं पर गिनने वालों से मेरा एक मासूम सा सवाल है। मान लो पैसे कम निकले हों तो क्या उखाड़ लोगे तुम? चले यार। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? क्या हुआ? एक इतना अजीब सा लड़का आया था, तुम्हें पता समझ क्या कहा? क्या कहा? कि तुम मुझे किस करो मैं तुम्हें 5,000 रुपीज दूंगा। व्हाट? किधर गए वो? ये सामने। यार राहिल कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम। बिखरे हुए शर्म सार है हम, रहमत के तलबगार
नबी का मौला रख लो भरम, कर दो करम मौला कर दो करम, हम पे करम मौला हम पे करम। एक्सक्यूज मी, आप टिकटॉक बनाते हो ना? हाँ जी। मैं लाइक करता हूँ। थैंक यू। वीडियोस को नहीं, आपको। हाय, तुमसे मिलके दिल का है। नेक्स्ट पेशेंट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कहिए क्या प्रॉब्लम है? मैम डिप्रेशन। इसकी कोई वजह है? जिंदगी में खुश रहने की कोई वजह ही नहीं है। एक काम करेंगे, हमारे शहर में एक सर्कस लगा हुआ है, वहां पे इतने सारे फनी फनी एक्ट्स होते हैं, स्पेशली एक जोकर है, वो खुद तो मार खाता है लेकिन लोगों को बहुत हंसाता है, तो आई रिकमेंड कि आप वहां जाए और आपको हंसी आएगी। क्या हुआ? लेकिन मैम वो जोकर तो मैं ही हूँ। सारी उम्र मैं जोकर जा बड़े आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी। जितनी यादा उतनी वफा, एक नजर प्यार से देख लो फिर से जिंदा कर दो तुम ही ले देख ले। अमीरों का सिंगर और हमारा आजकल के बच्चे को अगर गलती से गाली निकाल दो ना तो आगे से 10 गालियां सुना देते हैं, और जब हम बच्चे थे हम कहते थे जो कहता वही होता है। भाई लॉकडाउन में एक चीज का पता तो लग गया, बीवियों को घर में काम बहुत होता है, बेचारी थक जाती हैं।
इसलिए दो होनी चाहिए। सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, सपनों की दुनिया बसाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। ओ तू सिगरेट पी रहे हैं? आहो तेनू शर्म नहीं आंदी? मैं कड़ा नंगा होके पी रहा। गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है, माँ जब मुस्कराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं, माँ जब प्यार से देखती है तो लगता है आसमान से रहमतें उतर रही हैं। प्यार 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 साला बेकार। सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पापा मेरे सुपर हीरो हैं, लेकिन वो झूठे हैं। वो झूठ बोलते हैं कि उनके पास बहुत अच्छी नौकरी है, वो झूठ बोलते हैं कि हमारे पास अमीरों का हीरो। और हमारा लारी एडे तो लैटरी नाल ही नहीं है। नजर प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर दो तुम ही ले देख ले। मैं हमेशा तुमसे झगड़ा करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझसे प्यार क्यों करते हो? क्योंकि बेबी तुम्हारे झगड़ने की 100 वजह होती है, लेकिन मेरे प्यार करने की कोई वजह नहीं। I'm